देवास जिले के चारिया ग्राम पंचायत में नवनिर्मित गौशाला से 100 गायों को संरक्षण मिला है। दर दर भटकने वाली गायें अब गौशाला में रह रही हैं। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में गौशाला निर्माण योजना के तहत जनपद पंचायत बागली की ग्राम पंचायत चारिया में मनरेगा योजना के तहत लगभग 28 लाख की लागत से गौशाला का निर्माण किया गया। इसमें करीब 100 गायों को आसरा मिला है। पंचायत द्वारा गौशाला का संचालन किया जा रहा है, जिसमें हर प्रकार की सुविधाएं दी गई है। क्षेत्रों में सुचारू रूप से चलने वाली गौशाला ना होने के कारण गायों को दर दर भटकना पड़ता था, लेकिन भटकने वाली गाय अब गौशाला में नजर आ रही है। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। ये ग्राम पंचायत चारिया में गौशाला निर्माण शासन द्वारा किया गया है, जिसका निर्माण मनरेगा के तहत हुआ है। इसकी लागत है 27,71,000 रुपये है। यहाँ पर ये पूर्ण हो गई है, कंप्लीट हो गई है, जिसमें गायों का भी रखरखाव किया जा रहा है। यहाँ लगभग 100 गाय पूरी हैं और जिसमें से 30 गाय यहाँ पर रहती है और 70 गाय जंगल में चरने जाती हैं। यहाँ पर पानी की पूरी व्यवस्था है, 2 ठेल हैं, रखरखाव के लिए पर्याप्त व्यवस्था है, चारा पानी पूर्ण रूप से पर्याप्त हैं, 4 आदमी यहाँ पर वर्कर हैं और बागली से डॉक्टर भी देखरेख के लिए और गायों के उपचार के लिए यहाँ पर चक्कर लगाते हैं। और यहाँ पर हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।